तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्षय महारावी जी, जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के जो है सब इंजीनियर के तौर पर पदस्थ हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी आपने कहाँ कहाँ पर जॉब की है और सब इंजीनियर में मतलब पीडब्ल्यूडी में किस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आप बताइए सर। पहले भी आपने कहीं पर जॉब की थी जो सब इंजीनियर की, तो उसके बारे में भी आप हमें बता दीजिए। जी सर, मैंने 2016 में हाउसिंग बोर्ड ज्वाइन किया था। वहाँ पे एज ए सब इंजीनियर ज्वाइन किया था। वहाँ 3-3.5 लगभग अप्रोक्सीमेट उतने साल वर्क करने के बाद फिर 2019 में मैंने पीडब्ल्यूडी ज्वाइन किया एज ए सब इंजीनियर। 2019 हो गया था हाउसिंग बोर्ड में, 17 में फिर पीडब्ल्यूडी में हो गया था, बट बिकॉज ऑफ विधानसभा और बहुत सारे फैक्टर के कारण ज्वाइनिंग लेट हो गई थी। यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल जी 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 सर। अपना ये तो अच्छी बात है कि आप हमें हाउसिंग बोर्ड का भी एक्सपीरियंस बता देंगे और पीडब्ल्यूडी का, दोनों डिपार्टमेंट का जो एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। तो आप मुझे पहले तो हाउसिंग बोर्ड के बारे में बता दीजिए सर, वहाँ पर आपने कैसे क्या वर्किंग दी थी और आपको क्या लगता है मतलब प्रेफरेंस कैसे देखनी चाहिए उसके लिए। जी, एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम जब हमारी काउंसलिंग हुई थी या हमने एग्जाम्स दिए थे 2016 में, तो उस टाइम हाउसिंग बोर्ड ही और कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट थे, पीडब्ल्यूडी इसमें नहीं था। तो हमने एक प्रायोरिटी टॉप बेस पे हाउसिंग बोर्ड रख के फिर और भी विभाग है जैसे WRD, REH, तो उसमें मुझको हाउसिंग बोर्ड मिल गया, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर 17 की बात करें, उसमें पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई थी, तो मैंने उस टाइम पीडब्ल्यूडी को प्रायोरिटी पे रखा। बिल्कुल सर, तो फिर ये मिल गया। इसमें जैसे अगर विभाग की बात की जाए तो हाउसिंग बोर्ड में एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड स्टाफ के साथ लिमिटेड एरिया है संभालने के लिए। जैसे उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, हेड ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बोलेंगे, डिवीजन ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और डिवीजन में ही सब इंजीनियर्स होते हैं जो अलग अलग पूरे लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब तहसीलों को संभालते हैं। तहसील में संजी फील्ड जहाँ पे भी हो, तो वो डिवीजन्स होते हैं। डिवीजन्स के ऊपर आता है इनका इनका जो AHC और HC हाउसिंग कमिश्नर कहते हैं। AHC उसके सबसे टॉप में होता है हाउसिंग कमिश्नर। अच्छा, फिर उसके नीचे होता है एडिशनल हाउसिंग कमिश्नर ऑफिस, है ना। और फिर नीचे सर्कल ऑफिसेज होते हैं। सर्कल ऑफिसेज मतलब कि जैसे आपके ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिसमें संभाग स्तर पर बोल सकते हैं, संभाग स्तर पे, और संभागी के अंदर आते हैं डिवीजन। ये हाउसिंग बोर्ड का पैटर्न है, और डिवीजन में अपने लगभग काफी सब इंजीनियर्स होते हैं, डिवीजन से ही लगभग पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। बात अगर पीडब्ल्यूडी की करें तो पीडब्ल्यूडी में वैसे 3 विंग्स हैं, जिसमें पहला विंग है B&R मीन्स बिल्डिंग एंड रोड्स, सेकेंड है PIU प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट जो बेसिकली बिल्डिंग के काम देखता है, और तीसरा है सेतु या ब्रिज डिपार्टमेंट, जो बड़े 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 जो ब्रिजेस होते हैं वो उसका काम देखता है। इसमें जैसे मेरी पोस्टिंग है B&R में, तो B&R का वर्क नॉर्मली बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो गए और रोड कंस्ट्रक्शन हो गए, बड़े बड़े जो रोड्स होते हैं जी, और बिल्डिंग के मेंटेनेंस हो गए, क्वार्टर्स हो गए, ऑफिसेस के मेंटेनेंस हो गए, ये सारे काम, रेस्ट हाउस हो गए, गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, बिल्कुल ये सारे काम B&R के अंडर में आते हैं। और इसके जो सेटअप की बात करें पीडब्ल्यूडी के B&R के, तो इसमें सबसे टॉप में होता है इंजीनियर इन चीफ या ENC ऑफिस जो भोपाल में है। उसके नीचे मतलब ये फिर जोन्स में बढ़ जाता है, जैसे सेंट्रल जोन हो गया, अलग अलग जोन्स हो जाते हैं। तो मेरा फिर सेंट्रल जोन आता है जो जहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर बैठते हैं या CE ऑफिस बोलते हैं हम लोग, जो हमारा पड़ता है जबलपुर में। और CE ऑफिस के नीचे या जोन्स के नीचे होता है सर्कल ऑफिस, जिसमें ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट या संभागीय स्तर कहते हैं अपन। वो सर्कल हमारा आता है सिवनी में, जहाँ पे हमारे सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर वो बैठते हैं वहाँ पे। उसके बाद उसके नीचे आता है डिवीजन ऑफिस जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है सब डिवीजन ऑफिस जो हर एक तहसील में होता है। ऐसा तो हर एक लेवल पे अपने
सब इंजीनियर्स पोस्टेड होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर्स पोस्टेड होते हैं, और लेवल्स इस टाइप से हैं नीचे से ऊपर तक। बिल्कुल जी। तो अभी तो सर अपने जैसे अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में WMS है, उस पे भी वर्किंग देखना पड़ रही है, बड़ा डिजिटल काम होने जा रहा है पीडब्ल्यू डी में, है ना जी। अपन ऑनलाइन अब MB और बिलिंग जो है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग सब अपने लिए WMS जो सॉफ्टवेयर है उससे करने लगे हैं, है ना जी। और अदर डिपार्टमेंट में भी ऐसा होने लगा है, लेकिन एक ये देखा जाए कि अभी 2 से 3 या 3 से 4 साल में आप समझ लो पूरा जो डिपार्टमेंट डिजिटलाइज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये सही बेनिफिट भी है, मतलब एक टेक्नोलॉजी से जुड़ने भी जा रहा है भैया PWD, है ना जी। हाँ। जब मैं हाउसिंग बोर्ड में था तो वहाँ पे भी काफी मतलब डिजिटल हमको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता था। वही वही वही, सेटलमेंट बिल्स अभी अपने यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन होने लगेगा। में अभी थोड़ा कम लेवल पे है, बट यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है। जैसे MAS आपने बताया सॉफ्टवेयर जो आगे, उसमें अपन काफी चीजें अपलोड करते हैं, ये चीजें हैं अभी इसमें। जी जी बताइए सर, सब इंजीनियर के तौर पर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मतलब किसको क्या रिपोर्ट करना है, और क्या वर्क अपने को देखने को मिले आपके हिसाब से, आपने जो एक्सपीरियंस है आपको आप शेयर करी। हाँ, सब इंजीनियर में बेसिकली बहुत ही एक्साइटिंग जॉब है, जैसे कि आप इसमें ऑफिस वर्क भी होता है आपके पास और साइड वर्क भी होता है। ऑफिस वर्क की अगर बात करूं तो इसमें अपने जैसे एस्टिमेट प्रिपरेशन हो जाता है, DPR मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी रहती है, बिल्स बनाने रहते हैं जो अपने काम होते हैं कंस्ट्रक्शन के, उसके बिल्स बनाने रहते हैं और उनकी एंट्री करनी पड़ती है मेजरमेंट बुक या एनवी में। अगर मैं साइट वर्क की बात करूं तो इसमें अपने रेगुलर साइट इंस्पेक्शन और मेजरमेंट लेने के लिए जाना पड़ता है साइट में, देन क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है। फिर एक सब इंजीनियर के अंडर में बहुत सारा स्टाफ होता है, जैसे कि अपने लेबर होते हैं, लेबर काफी कोऑर्डिनेशन, टाइम कीपर है, काफी कोऑर्डिनेशन, ऊपर अधिकारी भी रहते हैं, तो काफी कोऑर्डिनेशन करके काम करना पड़ता है ताकि नीचे भी अपन उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाए। और फिर बेसिकली रेगुलर इंटरेक्शन भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, MLAs हो गए या लोकल लीडर्स हो गए, कुछ कुछ कभी कभी पब्लिक से डीलिंग होती है जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपन एस्टिमेट बना के फॉरवर्ड करते हैं। और अगर मैं विभाग के काम की बात करूँ कि कैसे होता है, कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, सबसे पहले अपन एस्टिमेट, हम लोग जैसे सब इंजीनियर एस्टिमेट प्रिपेयर करता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है ग्राउंड कंडीशन में, मतलब पहले एक प्रथम स्तरीय जो होता है प्रस्ताव आता है अपने पास, प्रस्ताव आता है कि भैया यहाँ पर्टिकुलर जगह के लिए रोड निकालिए, फिर अपन एक जो है प्राइमरी जो रफ एस्टिमेट बना के दे देते हैं उनको, है ना। फिर उसके बाद हमारे जो चीफ इंजीनियर है वहाँ से फाइल अप्रूव होकर जाती है अपने मेन डिपार्टमेंट, है ना जी, जी फिर जी। वहां से क्या होता है कि जो भी अनुमोदन होता है ना, रिकमेंडेशन आती है मंत्री महोदय की, है ना जी। उसके बेसिस पे फिर अपने को एक और एक प्रोबेबल अमाउंट मिल जाता है ना, PAC मिल जाती है, उसको अपन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अप्रूवल बिल्कुल। फिर इसके बाद अपन आते हैं DPR बनाने पे, ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे, है ना जी 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 जी। उसके बाद अपने को टेक्निकल सैंक्शन मिल जाता है, जो अपना DPR जो अपन एस्टिमेट बनाते हैं और वो अपना सैंक्शन हो जाता है, उसके बेसिस पे अपन को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या फिर प्रशासन की स्वीकृति मिल जाती है, या बोले तो फंड्स अलॉट हो जाते हैं उस काम के लिए, तो उसके बेसिस पे फिर अपन TS अप्रूवल या टेक्निकल सैंक्शन के लिए अपन एस्टिमेट भेजते हैं ऊपर, उसको पुनः चेक करके उसमें कुछ कमी पेशी तो नहीं है या कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो अपन उसी लेवल पे फिर उसको अमाउंट के अंदर रखते हुए, जो एक अमाउंट है उसके अंदर रखते हैं अपन TS के लिए भेजते हैं। TS अप्रूव होने के बाद वो अलग अलग जैसे अमाउंट के हिसाब से अलग अलग लेवल पे TS होती है। फिर उसके बाद जब TS अप्रूव हो गए उसके बाद अपन NIT ड्राफ्ट बनाते हैं या शेड्यूल बनाते हैं, तो ये NIT ड्राफ्ट फिर जब ये भी अप्रूव हो जाता है फिर अपन करते हैं टेंडर फ्लोट, जब ऊपर से परमिशन आ जाती है। बिल्कुल। टेंडर फ्लोट होने के बाद फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन लोग अप्लाई करते हैं और जिसको मिलता है उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है जी।
बस एग्रीमेंट होने के साथ ही उसमें काम के लिए उनको परमिटेड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर पूरा मतलब ये एक सिस्टम हो जाता है अपना पूरा टेंडरिंग वाला। अच्छा सिविल इंजीनियर के दौरान आपको कभी लगा कि क्या क्या मतलब हर्डल्स आए, कोई परेशानी आई, साइट बहुत दूर हुई है, ऐसी कोई परेशानी? हाँ स्टार्टिंग में पहले फील होता था कि हाँ काफी नए नए जॉब में आते तो लगता है काफी मतलब काफी अपन को काफी भागना पड़ रहा है, काफी डिस्टेंस साइट, कुछ साइट होती हैं जो काफी डिस्टेंस होती हैं, लेकिन जैसे मेरा अभी जैसे मैं देखूँ तो मेरा जैसे सब डिवीजन में है, तो सब डिवीजन में कुछ हद तक मैनेज हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड में जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठ के और हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं किसी भी रिमोट लोकेशन हो जाता है, वो एक टफ हो जाता था, पर एनी हाउ वो इंटरेस्टिंग होता है। आप उसको एक अच्छे से मैनेज करके अगर चले तो मतलब इजीली वो निकल भी जाते, क्योंकि जैसे अपना हर स्टेज पे काम होता है और अपन स्टेज वाइज इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो जैसे अगर बिल्डिंग वर्क अगर अपन देख रहे हैं उसमें मेन जैसे कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि फाउंडेशन का काम हो गया तो आप जाके देख सकते बिल्कुल, हैं उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ रीइंफोर्समेंट या लोहा बन रहा हो तो उस दिन आप जाके देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बेटर कोऑर्डिनेट करके या रेगुलर उसमें उससे पिक्चर्स मंगा के आप वैसे भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हाँ तो चीजें मेंटेन हो जाती है। हाँ जरूर सही हो गया कि मतलब अपन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं इसमें, तो इसमें कोई किसी डिपार्टमेंट में अब हर्डल नहीं है? हर्डल नहीं है, थोड़ा सा हेक्टिक जरूर हो जाता है कभी कभी। हाँ काफी जैसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं संभालने का, पर वो अच्छा है, चैलेंजिंग है तो मजा भी आता है करने में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर जैसे अपने डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि कभी कोई मेन फंक्शन हो रहा है तो PWD को लगा दिया जाता है ना, बैरिकेड लगाना है तो PWD लगाएगी, अभी कंटेनमेंट जोन बनाना था कोरोना में तो PWD आ रही थी है ना, और हेलीपैड निर्माण, फिर मंच बनाओ, ये सब काम मतलब आपको मतलब कैसा लगता है, मतलब करने का मजा आता है क्या? कुछ चीजें होती है इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हर लेवल के व्यक्ति से अपना वो इंटरेक्शन होता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो या अन्य विभाग के भी हो, तो सब इंजीनियर का मतलब हर व्यक्ति से इवन नीचे से ऊपर तक काफी लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है, तो वो चीजें अच्छी होती हैं। पर कुछ चीजें हैं जैसे ये सब वो, बट ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं करने के लिए। PWD में एक्स्ट्रा होती हैं ये अन डिपार्टमेंट के अलावा, काफी ज्यादा होती है उसमें, आप काफी ज्यादा और रिस्की। रिसेंटली अभी अभी जैसे पंचायत इलेक्शन हुआ तो उसमें मेरी उसमें इलेक्शन में भी ड्यूटी लग गई थी, फिर हम बैरिकेड भी अलग करवा रूम बनाओ, बहुत मतलब बहुत एथिक लगता है ये काम। डिपार्टमेंटल काम भी अलग होता था हमारा कि रोड का जो भी विजिट वगैरह होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफी चीजें हमने साथ में संभाली है, पर ये चीज है कि स्टाफ थोड़ा सा और हो जाता तो थोड़ी सी थोड़ी स्टाफ की क्या कमी हो रही है, उसी से मैं भी जूझ रहा हूँ। मतलब स्टाफ नहीं है तो जो जिस एफिशिएंसी और जो क्वालिटी मैनेज है वो नहीं हो पाता है। वो क्या है कि आप एक व्यक्ति से अगर बहुत ही मल्टीपर्पज चीज हो जाएंगी पर ओवरलोडेड चीजें होती है तब काम भी एक लेवर बहुत काम नहीं कर पाता है उसी को, और हर एक व्यक्ति अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से करता है। तो ये कमी देखने को मिल रही है अभी पर, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है PWD के साथ में? नहीं, अच्छा विभाग है, एनीबॉडी मतलब कोई भी चूज कर सकता है, दिस इज अ ग्रेट रॉयल डिपार्टमेंट। अच्छा सर मतलब आपसे पूछना चाहूंगा, आप मतलब उसमें थे हाउसिंग बोर्ड में, फिर आपने एकदम से मूड क्यों बना लिया कि PWD में चले जाए? हाउसिंग बोर्ड में एक्चुअली मेरे को 3 साल समथिंग होने लगा था। अच्छा। और मैं सेम जगह पोस्टेड था, सेम लोगों से मिलना, और वो एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड दायरा होता है कि आप रोज ऑफिस जाओ, सेम असिस्टेंट इंजीनियर होंगे, सेम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, और जो साइट्स भी होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। हाँ, बिल्कुल ये तो, और क्योंकि हाउसिंग बोर्ड में मतलब बड़े प्रोजेक्ट हैं, बेसिकली कॉलोनी वगैरह आप डेवलप कर रहे हैं तो सालों साल 2 साल 3 साल एक ही प्रोजेक्ट चलता रहता है।
हाँ, तो उसमें, और वो एक्चुअली एक बोर्ड था वो, और कुछ मेरे जो सीनियर्स थे हाउसिंग बोर्ड में भी थे और बाहर भी, हाँ उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर हो रहा है पीडब्ल्यूडी में हाँ मतलब बोर्ड से अच्छा आपको तो लगता है कि परमानेंट कोई हाँ डिपार्टमेंट हो, तो बिल्कुल. आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपीरियंस। तो मैंने उस टाइम कर लिया था ऐसा कि चलिए ठीक है एक्सपीरियंस लेके देखते हैं। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, मतलब ना ना, बाकी सब बोर्ड चीजें बोर्ड सेम और है आपकी विभाग में अब तो सैलरी कोई डिफरेंस नहीं है, सबकी सैलरी सेम है, इम्प्लीमेंटेशन भी सेम है, सेम मतलब डीए लगता है, हाँ, वहाँ सुविधाएं थोड़ा भी सा सेम है. लेट लगता है एक्चुअली, हाँ मध्य हाँ प्रदेश शासन का जो जो बिल्कुल भी बिल्कुल चीजें लागू होती है पहले उनकी जो गवर्नमेंट विभाग है उनमें लगती है, हाँ हाँ बाद में जी फिर बोर्ड मंडल इनमें बाद में थोड़ा सा ये चीज अप्लाई होती है, हाँ हाँ थोड़ा लेट लगता है लेकिन चीजें। अब तो वो ऑर्डर निकालते हैं तो उसमें इंक्लूड कर देते हैं कि विभाग के साथ प्लस निगम के साथ, निगम मंडल, इसके लिए भी एक कॉलम बता देते हैं. अब तो मतलब हाँ सोचने लगे हैं वो. जी, उसमें क्या है फिर उसके बाद उसमें कमेटी बैठती है, उसके बाद फिर वहां पे चीजें लागू होती हैं। कमेटी करती है, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. तो ये बात अच्छा है कि एक नई बात उनको पता चल जाएगी, हमारे व्यूअर्स जो हैं. हाँ, बिल्कुल सर. बाकी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी या एज ए सब इंजीनियर, इट्स अ ग्रेट जॉब एंड बहुत ही सेटिस्फाइंग भी होती है क्योंकि आप इसमें लोगों से इंटरेक्शन भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कभी कभी मजा भी आता है। मतलब चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि जैसे आप कुछ कुछ चीजें जो कभी किए नहीं हो और वो चीज आपको करने मिलती है। हम रिमोट लोकेशन भी जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, हम चाहे पुलिस विभाग से हो या एसडीएम तहसील, जो भी नगर परिषद, बहुत सारे कार्यालय हैं जो जिनसे हमारा रोज इंटरेक्शन होता है, हाँ रोज एक बॉन्डिंग बन जाती है. बिल्कुल ये बॉन्डिंग तो बन है. जाती है। और कोई भी चीज है जो हाँ आपको और आपके इजीली शहर में वर्क हो कुछ, जाते हैं, बिल्कुल काम भी निकल आते हैं कुछ. हाँ आपके जो काम होते हैं वो बेटर वे में हो जाते हैं। बिल्कुल ये तो है. जी सर, और सर बताइए, लोगों को क्या सलाह है तैयारी का? रिगार्डिंग सब इंजीनियर के एग्जाम, हाँ प्रिपरेशन क्या स्ट्रेटजी है, मतलब और क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर फ्रेशर्स हैं तो आप बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, सब इंजीनियर साथ में निकल जाएगा। जैसे कि अगर फ्रेशर हैं आप, लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में हैं या फिर इंजीनियरिंग की, या फिर मान लीजिए जस्ट पास आउट है, तो आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं उसमें। जैसे अपना गेट एग्जाम हो गया या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हो गई या यूपीएससी के अंदर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जो होती है वो दे दीजिए। तो सब में आपके अगर लगभग सिलेबस थोड़ा बहुत कम ज्यादा सेम होता है, हाँ क्वेश्चंस टेक्निकल के सेम लेवल ही है. डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा सर तो एक पॉइंट ये ना, मैं ये जानना चाह रहा था कि पीडब्ल्यूडी में रहते हुए आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, आपको पर्टिकुलर जो टाइम मिलता है कि नहीं? टाइम तो ऐसा है कि मिलता है, बहुत बार मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। जैसे हाँ लोकेशन पर आपकी, डिपेंड है. बिल्कुल हाँ मैं जैसे आप लोगों सब से यही डिविजन कहता हूँ. लेवल के हैं तो आप सब डिविजन लेवल पे आपको थोड़ा कम प्रेशर होता है, फिर हाँ आप जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिविजन लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे काफी चीजें मेंटेन होगा, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर आपके सारे मिनिस्टर्स के हो गए या एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, विजिट होते रहते हैं, आपका काफी ज्यादा वर्क होता है डिविजन लेवल पे, और सब बिल्कुल डिविजन लेवल काफी कम होता है। तो बिल्कुल. ऐसा यदि है कि आप तैयारी जहाँ करना पे है, हाँ तो तैयारी करना है तो तरीका यही है कि आप तहसील स्तर पर पोस्टिंग ले लीजिए. हाँ, और आपके पास मतलब कैपेसिटी है कि आप दिन भर काम करने के बावजूद भी पढ़ अगर सकते बैठ सकते हैं पर्सनल टाइम निकाल के, तो फिर बिल्कुल आप कहीं पे भी पोस्टिंग ले लीजिए, आप कर लेंगे। बिल्कुल बस बिल्कुल. ये है कि चीजों का आप जस्ट शॉर्ट नोट्स बना के रखें या एक चार्ट में फॉर्मूलेज वगैरह, सिविल मतलब जो हमारी ब्रांच है उसमें ये चीज बहुत अच्छी है कि जो फॉर्मूलेज वगैरह बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस काफी, तो हम कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज ही होते हैं जो काफी रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उनको आप एक चार्ट में लगा के सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज एक अपने सामने दीवार पे चिपका दीजिए, रोज पढ़िए उसी हाँ को, वैसे रिपीट याद हो जाएंगे. करिए तो याद हो जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट सीरीज अगर इच्छा हो तो टेस्ट सीरीज भी जरूर आप बीच में लगा सकते हैं, बट एग्जाम्स जैसे आते हैं तो आप फिर बेसिकली रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, हाँ तो रिवीजन उसमें स्ट्रेटजी जरूरी.
बिल्कुल, प्रीवियस ईयर में आप गेट के सॉल्ट पेपर्स होते हैं या ईएससी के ऑब्जेक्टिव के पेपर्स होते हैं। हाँ, ईएससी लेवल ठीक रहेगा, गेट थोड़ा हाई सब इंजीनियर के लिए। और अगर आपको सब इंजीनियर ही से फोकस्ड है तो आप गुप्ता एंड गुप्ता भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। लोग हाँ बहुत अच्छी बुक है, मतलब लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी बुक है, लेकिन गुप्ता एंड खुरमी बेस्ट बुक। हाँ, तो आप उसको भी ये तीन चार चीज ट्राई कर सकते हैं। और अदर देन दैट, जैसे अगर एप्टीट्यूड हो गया तो आप कोई सिंपल से जो कुछ सिंपल सिंपल फॉर्म क्वेश्चंस कर सकते हैं उसमें, ज्यादा इतना हेक्टिक नहीं पूछता है, ज्यादा हाई फाई नहीं पूछता है। एप्टीट्यूड हो गया या नॉन टेक जीएस, हाँ जनरल नॉलेज के लिए मैं बोलूंगा कि आप थोड़े से अवेयर रहिए कुछ चीजें जो होती हैं आसपास, कुछ नहीं तो नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो हाँ, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, सही बात। हाँ, जनरल स्टडीज थोड़ा सा आपका उसमें इजी हो जाता है, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो चीज जरूर आपको रिमाइंड हो जाता है पेपर में। तो सर बहुत बढ़िया रहा है सेशन, आई होप लोगों को पसंद आएगा कि जानकारी मिल गई पीडब्ल्यूडी की प्लस हाउसिंग बोर्ड की, मतलब एक वीडियो में उनको दो काम हो गए, तो बहुत अच्छा था। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।